गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज कमलजीत राणा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं थैंक यू सो मच। ओके, टाइम हो चुका है 6:15 इन द मॉर्निंग एंड आई एम ऑल सेट, आई एम ऑल रेडी टू लीव फॉर माई वर्क। और मैं कल उबरगांव आ गया था, मेरे पास 3 से 4 दिन का गैप था शूट के लिए, और मैं मुंबई चला गया था, और अब मैं कल शाम को वापस आया हूँ। अब मेरे को एक दूसरा रूम दिया गया है, नॉट द प्रीवियस रूम। इस रूम का व्यू भी अच्छा है, लेकिन उस रूम के व्यू जैसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा था उस रूम का व्यू कितना 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 सुंदर था। इस रूम का व्यू भी ओके ओके है, बेडरूम में ही खिड़की है जो बाहर की तरफ खुलती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज, एवरी कार दैट गोज इन एंड आउट ऑफ द सेट्स, वो आने के बाद उसको पूरा का पूरा सैनिटाइज किया जाता है, जैसे वो भैया लगे हुए सैनिटाइज करने में। दिस इज द मशीन दैट इज यूज्ड। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर। दिस इज टेम्परेचर चेक स्टेशन। तो जब हम अपने रेजिडेंस से निकले थे तब भी हमारा टेम्परेचर चेक होता है, हार्ट रेट चेक होता है, ऑक्सीजन लेवल चेक होता है, और जब हम सेट्स पे आते हैं तो आते ही फिर से हमारा टेम्परेचर हार्ट रेट मॉनिटर किया जाता है। You guys remember in the last video, yes, I showed you that every time I go on the sets, और जब भी मैं वापस आता हूँ रूम पे, मैं हर चीज़ को सैनिटाइज करता हूँ, स्प्रे मारता हूँ, चाहे वो ज्वेलरी हो या फिर मेरा फोन हो या फिर मास्क हो। एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट ऑर्डर किया था जिसका नाम है यूवी केयर प्रो। सो दिस इज दैट प्रोडक्ट यूवी केयर प्रो। अब इसको आपको असेंबल करना पड़ता है। असेंबल करते वक्त ध्यान रखिएगा कि जो उसकी ऊपर और नीचे जिप दी गई है उसको आप अच्छे से लॉक कर लें। लॉक करना इसलिए ज़रूरी होता है कि यूज़ करते हुए जो यूवी रेज हैं वो किसी भी कॉर्नर से बाहर ना आ सके। जो भी सामान आप सैनिटाइज़ करना चाहते हो, आपके मास्क, आपकी ज्वेलरी, बाहर से कुछ सामान लेकर आए हो, राशन लेकर आए हो, वो सब आप इसके अंदर डाल सकते हो। सामान को अच्छे से प्लेस करने के बाद मेक श्योर कीजिएगा जब आप इसका ऊपर का लिड बंद करें तो उसकी ज़िप है, उस ज़िप को पूरा टाइट बंद करें, आप कहीं से भी यूवी रेज लीक ना हो पाए। अच्छे से लिड को बंद करने के बाद इसको 5 मिनट छोड़ दीजिएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यूवी लाइट जल चुकी है, और एग्जैक्ट 5 मिनट्स के बाद सब सैनिटाइज हो जाएगा। एवरीथिंग दैट कैन बी फिट इनटू दिस बॉक्स कैन बी सैनिटाइज्ड। जहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया था, मैं उनसे बात करके देखूंगा कि अगर वो मेरे को कोई डिस्काउंट कोड या कूपन कोड दे सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस कूपन कोड को डाल दूंगा। तो सो यू गाइज कैन ऑल्सो गो ऑनलाइन एंड ऑर्डर इट। करेंगे कॉरिडोर में कर रहे सारे। हाँ, ओके सर, ओके, थैंक यू, वेलकम, आई एम ऑल सेट। तो ये कॉस्ट्यूम थोड़ा सा डिफरेंट है, जो भी कॉस्ट्यूम अभी तक आपने मेरा देखा है वो दरबार के सीन्स के लिए है, राजमहल के अंदर के सीन्स के लिए। दिस इज अ कॉस्ट्यूम जो हम वॉर में पहनेंगे, युद्ध में। अब मैं जा रहा हूँ अपना शॉट देने के लिए। इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स हियर। लेट्स सी, इट्स गोना बी अ गुड डे टुडे, आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, आई डोंट नो व्हाई, आई हैव दिस डिफरेंट एनर्जी इन मी, मुझे बहुत अच्छी सी एनर्जी फील हो रही है। I'll see you in a bit. सोचो ऐसी घटना में अगर मैं गोवा चले जाऊँ घूमने के लिए, मजा आ जाएगा यार। बस बिफोर आई लीव आई हैव टू वेयर द मास्क। फिर हम लोग ऐसे भी नहीं शूट कर सकते। पिताश्री, 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 रुक जाइए पिताश्री, ये आप क्या कर रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मजा नहीं, छोटा सा शॉट था, डन।
आज मेरा अर्ली पैकअप हो गया, लेकिन अभी जैसे कि आपने देखा, मैं भी जब सेट से वापस वॉक करके अपने वैनिटी रूम में आ रहा था, बहुत सारी कीड़े पड़ी हुई थी वहाँ पे, पतली पतली सी कील थी, और मैंने चप्पल पहनी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो कील जो है पीछे से मेरे पैर में घुस गई और खून वून निकलना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा रस्टेड वाली कील थी वो। तो मैंने क्या करा कि अब मैंने इनको बोला है जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए, बिकॉज आई हैव टू गेट अ टेटनस का शॉट। एंड लंच ब्रेक में ही सोचो हमारा पैकअप हो गया, आज खाना वाना सब आ गया है, मैं खाना खा के फिर यहाँ से निकलूंगा, तब तक डॉक्टर आ जाएगा, डॉक्टर से मैं टेटनस का शॉट लगवा लूँगा। बहुत अच्छी एनर्जी थी आज मेरी, बहुत अच्छा, बहुत एक्साइटेड था मैं आज काम करने के लिए, लेकिन जब जब मैं एक्साइटेड हुआ ना किसी चीज़ के लिए, बहुत एनर्जी रही है, बहुत खुश होता ना, कुछ ना कुछ पोपट होते, और आज ये पोपट हो गया, पैर में कील चुक गए। मैंने रुपेश को बोला है, हाँ, यही गाड़ी से जाके इंजेक्शन ले लेना वहीं गांधीवाड़ी में, वो आपके साथ चला जाएगा। ठीक है, हाँ, तो मतलब मैं जाऊँ डॉक्टर के पास, आप कह रहे हो ना? हाँ, वो ठीक है, बाजू में ही है ना गांधीवाड़ी। हाँ, चलो चलो चलो, ठीक है, मैं रुपेश को बोलता हूँ उसको लेके जाइएगा, मैं बोलता हूँ कि निकल गए और नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर अभी घर पे है ना। ओके ओके, मैं अभी निकल रहा था गाड़ी में बैठ के, बट मुझे इन्फॉर्म किया गया, गाड़ी पे रोक लिया गया और बोला गया कि आप, मैं सैनिटाइज करके जाऊँ अपने आप को। कमल जीत रहा हूँ, चेक भी तो नहीं करा ना वापस, टेम्परेचर वगैरह कर रहे हैं? हाँ, जाते हुए भी हमारा टेम्परेचर चेक होगा और हार्ट रेट चेक होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। is not open, it is closed, and I have to come back at 5 o'clock, because 5 o'clock the doctor comes. Hi guys, I slept for 2 hours. मेरी आँख लग गई, सो गया 2 घंटे। अब बैठा हूँ, मैं प्रोडक्शन वाले को कॉल करूँगा, एंड 5 बज गए, I'll go to the doctor for the tetanus shot. बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, हल्की हल्की बारिश, शाम का टाइम। Finally, I am at doctor's place. I am getting an injection on my thumb. लग गया भाई, टेटनेस का इंजेक्शन लग गया, बट नाउ आई एम मेंटली अ लिटिल सेफ। सेफ भी है, जब भी ऐसी लोहे की चीज़ या किसी से अगर स्किन या अंदर पेनिट्रेट हो जाता है तो आपको टेटनेस जरूर लगवाना चाहिए। तो मेरे को तो कील घुस गई थी पूरी पैर में, तो अच्छा हुआ लगवा लिया, नहीं तो मैं तो टेंशन में आ गया था। 7 बजने वाले थे, 7 बजे उमरगांव में सब बंद हो जाता है, उससे पहले ही हम लोगों को मिल गया एक डॉक्टर की क्लिनिक, एंड डन हो गया टेटनेस। All right guys, मैं back to my room and I'm just waiting for tomorrow's update, whether कल shoot है या नहीं है। Interesting day today, sets पे जाना, lot of energy, lot of happiness, and फिर वो कील वाला incident, काम थोड़ा जल्दी हो गया, early pack-up, then coming back to the room, sleeping for some time, going to the doctor, injection, and now I'm back to my room. This is it for this vlog. See you in my next vlog or in my next video, please. By the time, take care of yourself. Please don't go out if it's not necessary. अपने घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, अपने दोस्तों से बात करते रहिएगा, हंसते रहिएगा, खेलते रहिएगा, मोटिवेटेड रहिएगा। प्लीज़ स्टे हैप्पी, प्लीज़ स्टे फोकस्ड। दिस टाइम विल ऑल्सो पास। आई नो वी गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स, बट दिस टाइम विल डेफिनेटली पास। चलो, आई सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर।